मेरे भाव जाने है ना तर संगे नहीं लेना। हेलो फ्रेंड्स, मैं बताऊंगा कि इस तरह का नवरात्रि स्पेशल स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस कैसे एडिट करते हैं जो रील पे बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो इस वीडियो को एडिट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में जितने भी मटेरियल की आवश्यकता होगी सबकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के लिए आपको एक ऐप की जरूरत है, एलाइट मोशन। तो एलाइट मोशन ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो नो पॉइंट सेलेक्ट रेसो चूज करेंगे। चूज करने के बाद प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे। करने के बाद इस एक वीडियो लेंगे जिसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये वाला वीडियो ले लेते हैं। मैं वीडियो लेता हूँ, ये वीडियो सेलेक्ट कर लिया। वीडियो को ले लेने के बाद लाइटिंग इफेक्ट होगा, वहाँ से लाइटिंग इफेक्ट चालू होगा, वहाँ पर आ जाएंगे। आने के बाद एक इमेज लेंगे तो वापस प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे। इमेज एंड वीडियो में जाएंगे और एक माता जी की इमेज ले लेते हैं। तो ये वाली इमेज लेता हूँ। तो वापस एडजस्ट में जाएंगे और इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे। करने के बाद इसको इस तरह करेंगे और फिर जूमिंग इफेक्ट में जाएंगे तो थोड़ा जूम कर लेंगे इमेज को। करने के बाद वापस रोके आइकन क्लिक करेंगे और इसको इस तरह एडजस्ट करेंगे। तो इसके ऑपेसिटी में जाएगी, इसको कम करके देखते हैं। ये तो अच्छे तरह से एडजस्ट हो गया इमेज, थोड़ा और कर लेते हैं। इस तरीके से अपने हिसाब से सही एडजस्ट कर लेना आप। तो करने के बाद अब इसको हम वापस ऑपेसिटी में जाकर इसको फुल कर देंगे, शो कर लेंगे ऑपेसिटी। वापस करने के बाद अब इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। तो मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से जूम कर लेता हूँ। अब इस फोटो लेयर को क्लिक करेंगे और इसमें इफेक्ट लगाएंगे। तो इसको ब्लेंडिंग पे जाएंगे और मैं इसको कलर्स पे जाएंगे, इसको इस डार्क कर लेंगे। करने के बाद ये इस तरीके से दिख रहा है। तो इसकी लेंथ को हम फुल कर लेंगे, एंड तक कर लेते हैं लेंथ को इस तरीके से। एंड तक करने के बाद अब हम वापस पे जाएंगे, वापसी ब्लेंडिंग जाएगी, स्क्रीन पे जाएंगे और इसको स्क्रीन लाइटिंग पे जाकर और लास्ट चौथे नंबर वाले पे सेलेक्ट कर लेंगे कलर डिप्रेशन पे। तो इस तरीके से हमारा इफेक्ट लग जाएगा इस इमेज में। ये आग का इफेक्ट हो गया। अब वापस शुरू में आएंगे इसके, इसको प्ले करके देखते हैं। तो इस तरीके से होगा। तो अब इसके शुरू में हम एक यहाँ से थोड़ा कट कर लेंगे, यहाँ से थोड़ा कट कर लेते हैं। तो इमेज पे क्लिक करेंगे। करने के बाद इस तरीके से इसको इसके पार्ट को थोड़ा कट कर लेंगे। करने के बाद अभी इस पार्ट में हम इफेक्ट लगाएंगे। तो बैक आएंगे और इस इफेक्ट की मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेंगे। कॉपी इफेक्ट करने के बाद वापस हमारे प्रोजेक्ट पर आएंगे और उस जिस लेयर को हम कट किया हुआ उस पर क्लिक करेंगे और इफेक्ट पर जाएंगे और थ्री लाइन पर क्लिक करके पेस्ट पे कर लेंगे। तो ये हमारा इफेक्ट लग गया इस तरीके से। ये हमारा इफेक्ट लग गया। लगने के बाद अब ठीक है, ये हमारा अच्छे से देख लो, परफेक्ट बन गया वीडियो। अब इसको हम और अब तुम चाहो तो अपना लोगो भी लगा सकते हैं। तो इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के कॉर्नर में आइकन क्लिक करेंगे तो ये हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा।